आज इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। जब मैंने पार्ट वन वीडियो बनाई थी कि वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, उस वक्त से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, नया वाला वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, या मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस होता है। कंप्लीट वीडियो आपको एंड तक देखने दें। उसके बाद आपने अगर अभी तक वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देखिए, और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करेंगे वह कम्प्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलती रहे, और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप उसे ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का यूजर फेस शो होगा। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक लोगो शो हो रहा है, इस लोगो पर क्लिक करेंगे और लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी तक नया यूज़र नहीं किया तो यूज़र पर क्लिक करके अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हालांकि हमने रजिस्टर कर रखा है तो मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है। सब डिटेल डालने के बाद लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर से आप ऑटोमेटिक बैच का आ जाएंगे, उस लोगो वाले पर क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी स्टेट, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, उसका फिनिश डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिटेल पर क्लिक करेंगे आपकी सभी डिटेल्स हो जाएंगी, उसके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वोटर आईडी कार्ड में उस पर एक सेंड ओटीपी क्या होगा या ओटीपी का होगा, यहाँ ओटीपी डालकर वेरीफाई डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उस नंबर के लास्ट के चार अंक ये आपको ऊपर शो हो रहे होंगे। जैसे ओटीपी आएगा ओटीपी को वेरीफाई, वोटर आईडी कार्ड इस तरह का आपके सामने शो होगा। इसे जूम करके देख लेंगे, आपका फोटो, आपका यहाँ पर क्यूआर दे रखा है, सभी डिटेल यहाँ पर दे रखी हैं। इसे प्रिंट या डाउनलोड करने के लिए शेयर का ऑप्शन देखकर इसे आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में, या किसी प्रिंटर को जो आपने सेव कर रखा हो किसी को भेज सकते हैं, उसका उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उसका एक प्रिंट निकलवा सकते हैं। इस तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो देखिए और मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए, जिससे कि अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकें या कभी भी अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। चैनल पर यदि पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें जिनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।